आउजुबिलहिमिन शयर रजीम बसमी रबी शहली सदरी वयस अमरी बहलदमिलसानी यफ़ाहुकाउलीजिए महमा आली मोहम्मद का मसल इब्राहिम्राहिम मजीद अल्लाह मुबारक अला मोहम्मन वाला आली मोहम्मद का मुबारक तला इब्राहिम आली हमीनु मजीद के बाद नबी व का दर्जा है अहादीस की मतद्द किताबों में गजवा बदर का मुफसल और है। लेकिन हजरत वाली हदीस के सिवा और किसी हदीस में ये वाक्य मेरी नजर से नहीं गुजरा कि अनज्लम बदर में क्वैश की काफिला तजात के लौटने के लिए निकले थे की हदीस ये है तर्जुमा आप कहते हैं कि मैं रसोल्ला वसलम को छोड़कर किसी गजवा से पीछे नहीं रहा वजह इस गजवा तबूक के और हाँ गजवा बदर में भी शरीक न था और जो इसमें शरीक ना हुआ इस पर कुछ अताब नहीं हुआ क्योंकि अनद्ला व्लम क्रैश के काफिला के लिए निकले थे कि खुदा ने दोनों फरीक को अचानक मुकबल कर दिया इसके बखिलाफ हजरत अनस रज की हदीस है जो सही मुस्लिम में है नंबर एक तर्जमास रज से मरवरी है सलम को जब अबू सुफियान के आने की खबर मालूम हुई तो आप वाले ने मशवरा तलब किया रज बोले तो आपने तोज्ज न फरमाई फिरतर रज बोले आपने तरफ भी तोज्जा न की फिर हजरत सात बिन अबादा रजल्तन खड़े हुए और कहा यारसो वसलम क्या आप वसलम का रू खताब हम अनसार की तरफ है खुदा तला की कथम अगर दया में सवारी डालने का आप तो हम डाल देंगे और अगर बर्क अलगमात तक जाने का हुक्म देंगे तो हम करेंगे हजरत अनस रजील रजी कहते हैं इसके बाद आपसी ने लोगों को शिरकत जंग की दावत दी लोग चल पड़े और बदर पर उतरे नंबर दो तर्जुमा और पहले कुरैश का हारा तस्ता आकर उतरा इसमें बनी हजाज का एक हफशी गुलाम था मुसलमानों ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इससे अबू सुफियान का हाल पूछने लगे वो कहता था मुझे अबू सफियान की खबर नहीं लेकिन ये अबू जहल अतबा शीबा उमिया बिन खलफ आ रहे हैं जब वो ये कहता तो लोग इसको मारते वो कहता अच्छा अबू सफियान का बताता हूँ तब इसको छोड़ देते तो फिर पूछते वो कहता मुझको अबू सफियान की खबर नहीं लेकिन अबू जहल अतबा शीबा उमिया बिन खलफ रो कुरैश आ रहे हैं लेकिन जब वो ये कहता तब भी इसको मारते अनजली वसलम नमाज में मशगूल थे आबसो रसम ने यह देखकर फरमाया कसम है इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है जब वो सच कहता है तो तुम इसको मारते हो और जब झूठ बोलता है तो तुम छोड़ देते हो हदीस के पहले टुकड़े से जाहिर होता है कि जब अबू सुफयान के आने का हाल मालूम हुआ इसी वक्त आप ने आपसारो महाजरीन से मशवरा किया और अनसार से आनद की ख्वाहिश की और यह मतलकन साबित है कि अबू सुफयान की आमद का हाल मदीना ही में मालूम हो चुका था इस बिना पर यह महक तौर पर साबित हो गया कि इस गजवा की शिरकत के लिए आ, आप ने अनसार से मदीना ही में ख्वाहिश की थी वगरना अगर बाहर निकलकर कर ये मामला पेश आता जैसे कि कुतब सीरत में मजकूर है तो इस वक्त अनसार वहाँ कहाँ होते और नीज इस टुकड़े में मजकूर है कि आनंद ने मशुरा के बाद लोगों को शिरकत की दावत दी हालांकि अरबाब साय के मुताबिक वाक़ यह होना चाहिए कि अनसार माहिदा और मामूल सबक के खिलाफ शिरकत के लिए निकले अनज्ला उसम ने फिर इनको अंदिया दरिया फरमाया और इसके बाद शिरकत के लिए आमादा किया हर शख्स समझ सकता है कि यह एक मजनूनाना बात है हदीस के दूसरे टुकड़े से यह वजाहत तमाम तमामौक होता है कि आनाजूल्ला वसम को वही के ज़रिए से या किसी और तरीका से पहले ही मालूम था कि तजारती काफिला का नहीं बल्कि जंगी फौज का मुकाबला है गो आम लोगों को यह मालूम ना हो इस हदीस में एक गिरा और खोलना है अगर पहले सिर्फ अबू सफियन का आना मालूम हुआ था और कुरैश के हमला की खबर न थी तो आनंद इस असरार इस और सर से क्यों इज्तम का अहतमाम फरमाते इसलिए अबू सुफियान की आमद की बजाय मौका इकतजा यह है कि ये हो कि जब मुश्की ने मक्का की आमद की खबर मालूम हुई चुनाचे तो इसी वाक्य को इन्हीं अल्फाज के साथ अमाम अहमद बिन हम्बल ने मसंद में इब अबी शिबा ने मनसफ में इब जडीर ने तारीख में और बहकी ने दलाइल में रवायत किया है और इनको सही कहा है और इसके रावी मौके बदर के हीरो असदुल्ला अली इबन अबी तालिब हैं तर्जुमा हजरत अली रज्लान फरमाते हैं कि जब हम मदीना आए तो वहां फल खाने को मिले जो हमारे नामवाफे के मजाज थे इसलिए हम लोग बीमार हो गए अनुसलम बदर को पूछा करते जब हमको खबर मिली कि मुश्किन आ रहे हैं तो रसुल्लम बदर को चले बदर एक कुएं का नाम है जहां मुश्किन से पहले पहुंच गए इसके बाद बदर के तमाम वाकत और जुजियात मजकूर हैं इससे साफ तस्री है कि मुश्की ने मक्का के हमला की खबर सुनकर आपसे लौसम निकले थे और बदर आकर क्या फरमाया था इस पूरी हदीस में अबू सुफियान का काफिला तजार का जिक्र तक नहीं है इन कतई नसूस के बाद अगरचा किसी और इस्तदलाल की जरूरत नहीं लेकिन लित्मी नकलबी के तौर पर वाक्यात जैल पर लिहाज करना चाहिए नंबर एक अनद्लूसम ने इससे पहले क्वैश के काफिला पर हमला करने के लिए जिस कदर सरा भेजे और जिनमें 20-30 आदमी से लेकर 100 सौ दो सौ तक की जमीयत थी इनमें कभी किसी इंसान को नहीं भेजा अरबाब सर इस खास अमर को बतसरी लिखते हैं और इस तस्ह की इसलिए जरूरत समझते हैं कि अनसार ने बैत के वक्त मदीना से बाहर निकलने का इकरार नहीं किया था इस बिना पर अगर इस दफा भी मदीना से निकलने के वक्त सिर्फ काफिला तजार पर हमला करना मकसूद होता तो अनसार साथ साथ ना होते हालांकि इस वाकया में अनसार की तादाद महाजरीन से ज्यादा थी यानी कुल फौज तीन सौ पांच थी जिनमें चौहत्तर महाजरीन और बाकी सब अनसार थे ये इस बात की कतई दलील है कि जिस वक्त मदीना से आपसम निकले यह खबर आ चुकी थी कि मदीना आ रहे हैं इसी बिना पर आपसलौसम ने अनसार का मुखातिब किया क्योंकि माहिदे अब के मुआफ अब अनसार से काम लेने का वक्त आ चुका था नंबर दो मक्का से जो काफिला तजार के लिए शाम को जाया करता था मदीना के पास से होकर गुजरता था मदीना से मक्का तक जिस कदर कबाइल आबाद थे अमूमन कुरैश के जरिया असर थे बखिलाफ इसके मदीना से शाम तक के हदूद तक कुरैश का असर न था इस बिना पर अगर कारवानी तजार पर हमला करना मकसूद होता तो शाम की तरफ बढ़ना था यह बिल्कुल खिलाफ क्यास है कि कारबान तजार शाम से आ रहा है अनद्लम को खबर हो चुकी है और इसके शाम की तरफ बढ़े पांच मंजिल की तरफ जाकर जा खबर आती है कि काफिला बचकर निकल गया है और क्वैश से जंग पेश आ जाती है नंबर तीन वाक्यात की तरतीब यह है नंबर एक क्वैश ने अब्दुल्ला बिन उबी को खत लिखा कि मोहम्मद वसलम और इनकी रफ़ा को मदीना से निकाल दो वरना हम मदीना आकर तुमको भी बर्बाद कर देंगे बहुवाल सन अबी दाऊद गुजर चुका है नंबर दो अबू जहल ने साथ बिन साज से कहा कि तुमने हमारे मुंजिमों को बना दी है अगर उमिया की जमानत ना होती तो मैं तुमको कत्ल कर देता नंबर तीन कर्ज बिन जाबर ने जमासानी दो सन हजरी में मदीना की चरागाह पर हमला किया और अनज्लासल्लम के ऊंट लूट लिए रजब दो सन हजरी में अनुसलम ने अब्दुल्ला बिन हज रज को तजस् के लिए भेजा कुरैश की हरकत की खबर लाएं नंबर पांच अब्दुल्ला बिन हज ने आन की मर्जी के खिलाफ कुरैश का एक मुख्तर सा काफिला लूट लिया और एक आदमी कत्ल और दो असिर किए कुरैश ने मक्का में जो कुछ मुसलमानों के साथ किया था इसको पेश नजर रखो फिर ये ख्याल करो कि इनका जोश इंतकाम किसी तरह कम नहीं होता और वह अब्दुल्ला बिन उबी को लिखते हैं कि हम मदीना आकर तुमको और मोहम्मद दोनों को फना कर देंगे कर्ज फैदी मदीना में छापा मारता है इसी असना में कुरैश का अश्ताल इस इससे और बढ़ जाता है कि बिन रजी ने इनका काफिला लूट लिया और इनके दो मोज खानदान के मेम्बर असीर कर लिए इन तमाम बातों के साथ कुरैश सबर करते हैं और किसी किस्म की इंतकाम का इरादा नहीं करते जब आजम इनके काफिला को जिसमें मक्का की कुल कायनात थी लूटने के लिए निकलते हैं तब मजबूरन इनको मुदाफत के लिए निकलना पड़ता है इस पर भी बदल के करीब पहुंचकर जब इनको मालूम होता है कि अब काफिला बच कर निकल गया तो इनके बड़े बड़े सरदार और खुद अतबा जो सालार लश्कर था राय देता है कि अब लड़ने की जरूरत नहीं वापस चलना चाहिए क्या वाक्यात का यह नक्शा कुरैश के जोश अदावत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबूवत मौफिक है नंबर अरबाब सर अमूमन लिखते हैं कि जब अनज्ला उसम ने मदीना मुनवर में साबर रही को कारवाने तिजार पर हमला करने की दी तो लोगों के चंदान मुस्तादी जाहिर नहीं की क्योंकि लोग समझे कि कोई मुहिम और मौका जहाद नहीं है बल्कि सिर्फ तहसील गनीमत है इसलिए जिन लोगों को माले गनीमत की हाजत थी वो गए लेकिन हम देखते हैं कि अंसार भी जिस कदर आने कौम और सर लश्कर थे सबके जरुमाल के मोहताज अगर थे तो महाजरीन थे लेकिन जाने वालों में तादाद से दुगनी तिगनी है के इस तमजाज के जवाब में जिन लोगों ने जान निसाना फक्र कहे थे महाजरीन में हजर अबू बकरान मगदार में बदम शरीक न हो सके थे मदीना से बाहर नहीं जा सकते थे इसलिए कतन ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हजरत साद रजी ने ये जवाब मदीना ही में दिया था और वहीं कोश के हमला का हाल मालूम हो गया था इसलिए यह कतई है कि मदीना ही में इस बात की जरूरत पेश आई थी कि अंसार का इस समझाज़ लिया जाए नंबर पांच आम अरबाब सर बल्कि अहदीस की किताबों में भी मनकूल है कि गजवा बदर में जब आनंद ने लोगों को चलने की तरकीब दी तो कुछ लोग आमादा न हुए और किसमस आए जिसकी वजह यह थी कि वो जानते थे कि जहाद या गजवा नहीं बल्कि काफिला लौटना है इसलिए ये अपनी मर्जी पर मौकूफ है जिसका जी चाहे जाए जिसका जी चाहे ना जाए लोगों ने बयान किया है कि जब अनदल वसम ने अबू सुफियान का शाम से रवाना होना सुना तो मुसलमानों को बुलाया अर्फा माया के ये कुराश का काफिला आ रहा है जिसमें इनका माल है चलो शायद खुदा तला तुमको इसमें से माले गदीमत दिलवा दे लोग आमादा हुए लेकिन बाजों ने पहलू तही की क्योंकि वो समझे कि को कोई लड़ाई तो पेश नहीं आएगी लेकिन ये वाकद सही आयात कुरानी के खिलाफ है कर्न मजीद में ये तस्वीर मौजूद है कि जो लोग मदीना से निकलते हुए कसमसाये थे वो अदम जरूरत की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से कि इनको ये नजर आता था कि मौत के अमूर में जा रहे हैं बिस्मिल्लाह नकार दिलू न का फिलहक का मुसलमानों को एक फरीक निकलने से नाराज था वह तुझसे हक के मुतल झगड़ता था बाद इसके हक जाहिर हो गया था वो गोया मौत की तरफ फंकाए जा रहे हैं नंबर छ तमाम कोतब अदीस और से तस्वीर है मदीना मुलरा से एक मील चलकर मुका बेराबी में आप ग ने फौज का जायजा लिया और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज वगैरह इस बिना पर वापस भेज दिए गए थे कि इनकी उम्र पंद्रह बरस से कम थी या ये कि सन् बलोगत को नहीं पहुंचे थे अगर सिर्फ काफिला लूटना मकसूद होता तो ये काम नोखैज नौजवान ज्यादा खूबी से अंजाम दे सकते थे लेकिन चूंकि वाकई में जहाद मकसूद था जो एक फरीजा इलाही है और इसके लिए बलोक की कैद है इसलिए नाबालग लोग वापस कर दिए गए कि इसके अहल नहीं नंबर सात हाफिज इब्बुल्बर ने इस्तयाब में रवायत की है कि जब अनदल्लासम ने लोगों को काफिला कुरैश पर हमला करने की तरकीब दी तो खसीम रजोल्त ने जो एक अंसारी थे अपने बेटे साद रजोल्त से कहा कि मुझे जाने दो और तुम यहां मुस्तराद की खबरगिरी करो साद रजील्दानो ने कहा हजूर अगर कोई और मौका होता तो जरूर मैं आपको अपने ऊपर तरजीह देता लेकिन ये शहादत का दर्जा है मैं इसको क्यों कर छोड़ सकता हूँ अंदाजी हुई और साद रजीलान के नाम कोरा निकला साध रजीलानो श्री के जंग होकर शहीद हुए इससे साबित होता है कि काफिला लौटना नहीं जबकि जहाज पेश ही नजर था और लोगों को दौलत शहादत की हासिल करने की आजू है